बिग बॉस सीजन 8 कौन बनेगा विजेता। बिग बॉस सीजन 8 का विजेता चंद घंटों में घोषित होने वाला है। अली कुली मिर्जा, डिम्पी महाजन, गौतम गुलाटी, करिश्मा तन्ना और प्रीतम फाइनल में पहुंच चुके हैं। करिश्मा, प्रीतम और गौतम पहले दिन से टिके हुए हैं, जो उनकी लोकप्रियता का सबूत है। अली और डिम्पी ने सबसे पहले वाइल्ड कार्ड के जरिए एंट्री ली और उनका फाइनल तक पहुंचना दर्शाता है कि वे कितने लोकप्रिय हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि गौतम गुलाटी का दावा सबसे मजबूत है। लुक और 8-पैक एब्स के कारण वे लड़कियों के बीच हॉट रहे। गौतम जैसे हैं वैसे पेश है और इसीलिए लोगों की पसंद नंबर 1 बने रहे। बिग बॉस के पिछले 4 सीजन से महिलाएं इस खिताब को जीतती आ रही हैं। उसे देख करिश्मा का दावा मजबूत नजर आता है। खूबसूरत होने का करिश्मा को अतिरिक्त लाभ मिला। स्पष्टवादी होने से लोग उन्हें पसंद करते हैं। अली ने सबसे ज्यादा मनोरंजन दर्शकों को प्रदान किया और इस कारण वे फाइनल तक पहुंचे। शो जीतने के वे तीसरे नंबर के दावेदार हैं। वे बिग बॉस के डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। मध्य मार्ग पर चलने के प्रीतम हमेशा हिमायती रहे। अच्छी छवि को शो के आखिर तक बनाने में सफल रहने के कारण उन्होंने प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या जमा कर ली है। डिम्पी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे अपनी बात को अच्छी तरह से रखना जानती हैं, लेकिन झगड़ालू स्वभाव के कारण लोग उन्हें नापसंद भी करते हैं। ऐसे में यह देखना बहुत जरूरी होगा कि बिग बॉस 8 का विजेता कौन होता है। प्रियंका चोपड़ा को मिलेंगे 25 करोड़। प्रियंका चोपड़ा ने लंबी छलांग लगाई है और पलक झपकते ही बॉलीवुड की तमाम हीरोइनों से आगे निकल गई हैं। अमेरिकन मीडिया ज्वाइंट ABC स्टूडियो के साथ प्रियंका ने एक डील की है। प्रियंका के साथ वे नया शो या फिर चल रहे हिट शो को करेंगे। सुनने में आया है कि इसके बदले में प्रियंका चोपड़ा को 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रियंका 3 महीने के लिए US में रहेंगी और उन्हें शानदार विला में ठहराया जाएगा।